नाउ मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर प्लीज। मंच सभापति, राष्ट्रपति जी के बहुत ही अच्छे अभिभाषण पर यहां दो दिन चर्चा चल रही है और उसमें दो तीन बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मोदी सरकार आने के बाद हमारी सरकार, वही बता रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद फर्क क्या आया ये समझने की जरूरत है। फर्क दो आए। एक मिनट, अरे हाँ तो मैं इधर जाता हूं, एक मिनट, नहीं ये बैठे थे इनको। अच्छा ये है मेरे, अभी ठीक है, नाउ इट्स ओके, देन वाले योर माइक विल वर्क। या तो ये सरकार सत्ता में आने के बाद ढाई साल में क्या क्या बदलाव हुए उसकी एक तस्वीर राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बताई। आप सबको मालूम है दो खबरें आप हमेशा पढ़ते थे। एक खबर पढ़ते थे कि अब कोयले की किल्लत है, बिजली घर कभी भी बंद होगा, यह खबर हर साल आती थी। अभी एक दिन का मेरे पास सभी है भाई, मैं ये हर साल आती थी आपके राज में, हर साल आती थी, क्योंकि क्योंकि कोयला कोयला एक दिन का। मिस्टर मिस्टर प्रकाश जी प्लीज चेयर यू स्पीक। यस चेयर, एक दिन का कोयला या दो दिन का कोयला है, यू हैव ओनली कोल स्टॉक ऑफ वन डे और टू डे एंड यू विल ऑलवेज रीड द न्यूज दैट देर इज अ डेंजर इफ द कोल सप्लाईज डोंट कम, यू हैव टू स्टॉप प्रोडक्शन एंड एवरी स्टेट हैज सीन दैट। लास्ट टू ईयर्स दिस न्यूज हैज डिसअपीयर्ड। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉकेट साइंस, बट वी गेव द रेक फॉर कोल ट्रांसपोर्ट विदाउट करप्शन एंड इंक्रीज द कोल सप्लाई एंड नो करप्शन इन कोल सप्लाई। सो वी जस्ट एक भ्रष्टाचार को खत्म किया एक व्यवहार में, तो एक संकट देश का समाप्त हो गया और आपको यह चित्र मिलने लगा कि कोयला का उत्पादन भी बढ़ा, यातायात भी सीधी हुई और अब हर पावर स्टेशन पे 21 डेज का जो मैंडेटरी होता है 21 डेज का कोल सप्लाई है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है दिस इज गुड गवर्नेंस, वन ऑफ द आइटम ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यह बदलाव हर क्षेत्र में आया। दूसरी एक न्यूज आप सुनते थे एवरी ईयर दैट यूरिया की किल्लत है, किसानों का आंदोलन है और लाठीचार्ज भी हो रहा है। नहीं हो रहा है क्योंकि एक हमने कोई, वही मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द इंटेंशन मेक्स द डिफरेंस इन गवर्नेंस, दैट दिस न्यू कोटिंग इज नॉट द साइंस व्हिच वी डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस मच अर्लियर। ये पहले ही तैयार था लेकिन नियत नहीं थी तो नीम लेपन नहीं हुआ। इट वॉज डिसाइडेड, नहीं हुआ, इट वॉज ओनली 20%, अब यह 100% हो गया। तो नीम कोटिंग से क्या हुआ आपको देख रहे हैं कि नाउ फार्मर रिक्वायर्स 10% लेस फर्टिलाइजर, गेट्स 10% मोर क्रॉप एंड एट द सेम टाइम विथ दिस नीम कोटिंग द ब्लैक मार्केट ऑफ सब्सिडाइज यूरिया विच यूज टू गेट डाइवर्टेड टू द फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज एंड अदर फैक्ट्रीज हैज स्टॉप कंप्लीटली बिकॉज नाउ दे कैन नॉट यूज यूरिया एज अ प्योर नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन रिलीज इज स्लोली, सो दैट्स अ ट्रिक। एंड देयर फोर वॉट हैज हैपन्ड इज द होल करप्शन इन यूरिया स्कैम हैज गॉन। दीज आर जस्ट टू
न्यूज आइटम्स विच आई एम शोइंग टू डिस्प्ले कि किस तरह से सरकार के बदलाव में, सरकार की नीयत में बदलाव होते ही एक गुड गवर्नेंस आया। अब मैं डिमोनेटाइजेशन पे आता हूं। डिमोनेटाइजेशन में बहुत लोग बोले, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब लोग एक ही शिकायत थी कि कतार में, अब तो कतार है नहीं, देर इज नो क्यू। एक मिनट आई एम कमिंग टू दैट, प्लीज। वही मैं बता रहा हूं, बैठिए। नो इंटरप्शन प्लीज। सी, डिमोनेटाइजेशन में एक ही शिकायत पहले थी, कतार है, कतार है, कतार है, अब तो कतार नहीं है, 50 दिन के बाद देर इज नो क्यू। एंड क्यू नहीं है इसलिए परेशान हो गए, और क्यू आप जब लगा था, अरे भाई कौन बोल रहा है, 50 साल आपने दूध के लिए कतार लगवाई, 50 साल आपने राशन के लिए कतार लगवाई, 50 साल आपने गैस के लिए कतार लगवाई, कांग्रेस का नाम ही क्यू था, पूरे जनता को, देश को हर चीज की किल्लत थी, वो सारे क्यूज में खड़े कर दिए थे। अब 50 दिन के क्यू के लिए आप आरोप करोगे? आपने 50 साल देश को हर तरह के क्यू में खड़ा किया, न्याय वहां नहीं मिल रहा था, सामान सुनो, अरे भाई हम दूध लेने के लिए भी कतार लगानी पड़ती थी, हर चीज के लिए कतार लगानी पड़ती थी, आप नहीं लगती है। अटल जी के समय अरे भाई हर चीज के लिए कतार लगाने वाले देश को कतार में 50 साल जिन्होंने खड़ा किया, वो 50 दिन के कतार के लिए बोल रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, अच्छा टीवी वाले भी, प्लीज 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 प्लीज, मीडिया वाले भी, अब न्यूज चाहिए तो कतारें हैं तो जाके पूछ रहे, लेकिन एक भी बंदा उल्टा नहीं बोल रहा है, तो बड़ी दिक्कत थी। एक दिन क्या हुआ, एक बड़े बड़े टीवी चैनल के एक बड़े पत्रकार एक क्यू में गए, और तभी एक क्यू में जो आदमी खड़ा था वो बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया तो उनको लगा अब तो एकदम जबरदस्त न्यूज मिल गई, लोगों ने थोड़ा पानी भी नहीं मारा तो वो ठीक हो गया, उसको शक्कर वगैरह दी तो वो एकदम खड़ा हो गया। उसको माइक तुरंत, बोलो आप बेहोश हो गए, आपको तकलीफ हुई, क्या आपका कहना है? बोले नहीं नहीं मैं तो डायबिटीज का पेशेंट था, मैं आज शुगर दवा ली लेकिन शुगर नहीं खाई इसलिए मैं बेहोश हो गया, मैं कतार में खड़ा हूं, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो देश के अच्छे के लिए किया, हमारे भावी पीढ़ी के लिए अच्छा किया, ये वो बोल रहा है। द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड गॉट फेंटेड वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट गुड, और यही मैं बता रहा हूं, सुनिए अभी, अरे पूरी कहानी सुनो, एक मिनट, आपके जमाने में तो इतने मरे उसकी कोई गिनती भी नहीं, वो छोड़ो। अब मैं ये समझ नहीं रहा हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, और मेरे मित्र जो राजा, पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्रॉम बीजेपी दैट मिनिस्टर्स टू इंटरवीन? नो, आई एम मेंबर ऑफ द हाउस, बट यू आर अ मिनिस्टर, बट आई एम मेंबर ऑफ द हाउस, आई एम मेंबर ऑफ द हाउस, आई हैव योर नेम, ही शुड बी हियर, अरे ही शुड बी हियर टू नॉट, आई एम मेंबर ऑफ द हाउस, दिग्विजय सिंह प्लीज। हाँ सो एक मिनट रपोलजी प्लीज 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 प्लीज। तो ये डिमोनेटाइजेशन में सबसे आश्चर्य मुझे लगा, हमारे डी राजा है, कम्युनिस्ट मित्र है, अब आप किसके साथ खड़े हो गए, आप किसके साथ खड़े हो गए? अरे जिनको छुपाना था वो तो दुखी थे, और जिनको छुपाना था वो तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन गरीब के लिए जो अच्छा कदम, गरीब कह रहा है कि अच्छा कदम, और उसका उसका विरोध करने के लिए आप खड़े हो गए, ये तो मुझे ताज्जुब लगा, आश्चर्य लगा, ये कैसे हो गया?
कम्युनिस्ट तो पूरी जिंदगी गरीब की बात करते रहे, मजदूर की बात करते रहे, और आज कम्युनिस्ट के एकदम उल्टे जाके उधर खड़े रह गए, ये मुझे आश्चर्य हुआ। स्पीक ऑन द अनप्रेसिडेंटेड हार्डशिप्स, सफरिंग्स, ह्यूमिलिएशन द पीपल हैव टू गो थ्रू because of the demonetization policy, number one. Number two, is MHRD, you must speak on education, you must speak on what is happening in central universities. Instead of that, you speak on and there also I will expose all of you. Please, please bear. एक मिनट, तो सर ये किसको समर्थन कर रहे थे? भ्रष्टाचार का कोई समर्थन करे, कर चोरी करने वाले का समर्थन करे, ये देश ने कभी नहीं देखा। और इसमें पॉलिटिकली एक पार्टी थी कि जिसको गरीब मानते थे कि हमारी पार्टी है, एक पार्टी गरीब के समर्थन का और गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, लेकिन आज गरीब उनसे हट गया, गरीब का प्लैंक उनके पैरों तले निकल गया और वो हमारे पास आ गया, ये भी नहीं समझ रहे किसके साथ दे रहे। ये भ्रष्टाचार का साथ देकर गरीब आपके पास कभी नहीं रहेगा। एंड देयरफॉर द प्लैंक ऑफ पुअर हैज गॉन। नाउ लेट मी कम टू टू मोर पॉइंट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम। दो तारीफ के बार्गेन मैं उदाहरण देता हूं। मैं पर्यावरण मंत्री था, पर्यावरण मंत्री रहते मेरे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी दिक्कत थी, बॉर्डर रोड्स की 6,000 किलोमीटर ऑफ रोड, द प्रोजेक्ट सी बर्ड लाइक अ नेवीज एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मेनी अदर डिफेंस प्रोजेक्ट्स, मिसाइल रेंजेस, दे वर ऑल हेल्ड अप फॉर इयर्स, फॉर 7 or 10 years ड्यूरिंग 2004 एंड 2014। व्हाई? आई डोंट नो फॉर व्हाट बार्गेन, बट defense projects were not cleared. When I took charge, we discussed with defense forces. Actually incorrect. Lots of roads, I can give you information. 7,000 kilometers of border roads proposed by the army, the ITBP, they were all cleared. The former defense minister is not here. I can give you the evidence. I will, if he can prove that all roads of the Defense Department were not cleared between 2004 and 14, sir, I am prepared for a privilege motion. I am saying he what I want to say. He is misleading the house. Don't threaten me. I have many records. The year is very clear. Project Seabird of Navy. Project Seabird of Navy at Karwar, which was very much important project of the defense for the defense of the country, was languishing for permission for 4 years. More like 6,000 kilometers of roads, border roads. Govardhana garu, please sit down. Sit down, please. Border roads. Rappola. Sir, Rappola, please, please. Border roads. Let him speak. And defense infrastructure, even the Coast Guard Police Chowki. Coast Guard Police Chowki requires CRZ permission, which was not coming easily. Files were pending. What we did, the difference is that we discussed the whole problem with Defense Ministry, and Rangarajan ji and our members were there in Defense Committee also. I was also part of Defense Parliamentary Standing Committee, and then we gave general approval for all defense infrastructure and defense roads and all defense projects within 100 kilometers of line of actual control. That we did, took one decision to allow everything of defense infrastructure for the security of the country. Ye aapne karke dikhaya. So that's the difference. Aur uske badle mein phir maine defense secretary ko, defense minister tab Jetli ji the, humne phone kiya defense secretary ko, maine kaha कि सर इसका कुछ क्विड प्रो को है, हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हंड्रेड्स ऑफ सिटीज में डिफेंस की बहुत सारी लैंड है, उस लैंड के कारण रोड वाइडनिंग रुका है, रेलवे ओवर ब्रिज रुका है, कहीं फ्लाईओवर रुका है, तो अर्बन 200 कॉरपोरेशन सिटीज में
जहां जहां डिफेंस की लैंड के कारण जो सिविल एमिनिटीज के काम रुके हैं, तो हमने अगर आपके 200 प्रोजेक्ट्स एक झटके में मंजूर किए हैं, तो आप ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो अच्छे रोड के और फ्लाईओवर के और रेलवे ओवरब्रिज के जो प्रोजेक्ट्स आपके कारण पेंडिंग है वो भी आप मंजूर करिए। यह हमने बार्गेन किया सर। बार्गेन देश हित में बार्गेन ऐसा होता है, देश हित में दूसरा बार्गेन। सर 300 रुपए के एलईडी बल्ब थे, 300 रुपए के 9 वाट के, 300 रुपए का आज 75 रुपए कैसे हो गया? कुछ नहीं किया हमने, हमने सब उत्पादकों को, दुनिया के और देश के उत्पादकों को इकट्ठा बिताया, मीटिंग करी और हमने कहा कि 101 बिलियन बल्ब्स की हम ऑर्डर देते हैं, बताओ कितना प्राइस कम करोगे? वी आज देम, पहले भी बार्गेन होती थी, अब हमारी बार्गेन अलग है, उस समय की बार्गेन अलग है, ये फर्क है सर। बार्गेन उस समय भी होती थी, बार्गेन हमारे समय भी हुई, हमारे समय पब्लिक के इंटरेस्ट में हुई, 300 रुपए का बल्ब 75 रुपए में हो गया, ये बदलाव हो गया, ये मोदी सरकार का करिश्मा है। तो ये पारदर्शिता का एक मायना है। और अब सीपीआई मानती है मजदूरों की लड़ाई करती, मैं भी 2 यूनियन का अध्यक्ष रहा था जब मंत्री बनने से पहले, 42% इंक्रीज इन वेजेस इन सिंगल स्ट्रोक, एक ही निर्णय में 42% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस इज अ लैंडमार्क हिस्टोरिकल डिसीजन, वी मस्ट अप्रिशिएट, दिस इज द डिसीजन, 42% मिनिमम वेज का इंक्रीज किया। और सबको, सिक्योरिटी गार्ड, बाकी छोटे छोटे काम करने वाले, इनके लिए मजदूरी बहुत कम होती थी, आज मजदूरी में इतनी बढ़ोतरी हो गई। और अभी जो ऑर्डिनेंस हमारे पास आया है, जो अभी हमें पास किया है, वो मजदूर को चेक से भी पैसा देने का उसमें प्रोविजन है, ताकि उसको 100% पैसा मिलेगा, उसको 100% पैसा मिलेगा, कैश में दोगे तो वो कितना मिलता पता नहीं है। तो ये इसलिए साइन किस पर लिया और पैसे हाथ में किसने दिए, अब चेक से दो तो आपको पता चलता है कि कितना खाते में जमा हुआ, ये ट्रांसपेरेंसी ला रहे। आज एक यूनिक नंबर मिला मजदूर को यूनिक नंबर मिला, तो उसकी नौकरी कहीं से भी कहीं बदले, आज जो 10-12 हजार करोड़ रुपए लोगों के, मजदूरों के भरे हुए खुद के मेहनत के पैसे आज लावारिस पड़ गए हैं, उसका पता नहीं चल रहा है कि कहां है मजदूर। ये इतने हजारों करोड़ रुपए जो पड़े खातों में पीएफ के, वो सारे अब आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिक आईडी मिल रहा है। तो दीज आर द सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच शोज द चेंज ऑफ गवर्नेंस, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस कभी कांग्रेस की, जनता के हित में नहीं रही, गरीब की बात की और गरीब को लाख मारी, यही सच्चाई है। और हमने ये बदला है। और इसलिए गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, उसको जब न्याय दे रहे हैं, तब ये बात आई। आखिर में मैं 2 मिनट में, पद्मश्री हर साल लोगों को मिलती है, अच्छे समाज में गुणी लोग हैं, मिलना चाहिए, पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे, लेकिन इस बार सर विशेष हुआ, पद्मश्री भी ऐसे लोगों को मिली, जलपाईगुड़ी के एक चाय बागान में काम करने वाले मजदूर को भी मिली, जो मजदूर अपनी मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस की सेवा लोगों को मुहैया कराता था, और इसके लिए उसको मिली, ऐसे गरीब को ढूंढ ढूंढ के पद्मश्री मिली। ये कभी नहीं सोचा इसको, पद्म सम्मान के लिए गरीब का ऐसा पुरस्कार इस बार ऐसे। और सारे मीडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 15-20 ऐसे उसमें सूची में लोग है कि जो जिनका नाम पहले ही लोगों ने सुना अभी बाहर देश भर में, लेकिन वो अपने अपने इलाके में सालों से जनता की सेवा अपनी कमिटमेंट से करते हैं। कोई पढ़ाई का काम करता है, कोई पेड़ लगाने का काम करता है, कोई बांध बनाने का काम करता है, कोई जल संवर्धन का काम करता है,
ऐसे लोगों की कभी इस सूची में कभी किसी ने नहीं देखे थे, ऐसे लोगों को ढूंढने का काम केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, यह हमने देखा और इसलिए पद्मश्री की सूची भी बदल गई। सर मेरा डिपार्टमेंट अभी एचआरडी है, एचआरडी और पहले स्मृति बहन वहां थी, लेकिन मालूम है आपको कितने बदलाव आए अभी परसों। मुझे किसी ने कल मुद्दा उपस्थित हुआ था जीरो आवर में, वो जीरो आवर में कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं पर कोई प्रतिबंध लगाया, कोई नहीं। मैंने आज पूछा वहां कुलपति से, मैंने बात की तो कुछ भी बदलाव नहीं है, कोई नया नियम नहीं है, कोई खाने पर किसी के पाबंदी नहीं है, जो जिसको चाहिए, फूड इज ए पर्सनल चॉइस और इसके लिए कोई बंधन किसी पर नहीं डाला है। और जो लड़कियां वहां 8000 लड़कियां छात्राएं रहती है हॉस्टल में, हमें गर्व है, 14000 छात्र रहते हैं, हमें गर्व है, सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है और अच्छा चल रहा है। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में, हम आने से नहीं, हमारे आने से पहले आपके समय भी और आपके पहले भी समय में यह नियम था कि 9 के बाद अगर कोई भी लड़का लड़की कहीं भी जाते हैं तो वो वार्डन को बताते जाते हैं कि कहां जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, ताकि किसी को चिंता न हो। इसके लिए पूछते हैं, ये नियम पहले से जो चल रहा है बेवजह यहां हमें ठोक रहे हो बेवजह, क्योंकि ये झूठ बोलो असत्य बोलो लेकिन जोर से बोलो, ये एक नियम से अभी चल रहा है, बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, बाकी कुछ नहीं है। और इसलिए प्लीज कंक्लूड प्रकाश जी, इसलिए सर प्लीज, यस, और इसलिए सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर जनता बरोबर समझती है, जनता ठीक समझती है क्या फर्क हुआ है, और लोगों ने फर्क देखा। एक ईमानदार सरकार होना, एक पारदर्शी सरकार होना और एक प्रक्रियाओं में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे डीबीटी के एक कारण अगर साल में 50,000 करोड़ रुपए बचते हैं तो ये देश का बहुत बड़ा फायदा है, गरीब के साथ न्याय है, लूट करने वालों को सजा। आप किसके साथ खड़े हो, लूट करने वालों के? मेरी अपील है, यहां भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि राजनीति में सभी कोई लोग है, पॉलिटिक्स इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड प्रोफेशन, बट लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट रिमेन विद द ऑनेस्ट, वी मस्ट कमिट आवरसेल्व्स टू द ग्लोरी ऑफ द नेशन, टू द रियल प्रोग्रेस ऑफ द पुअर, और उसको कुछ मिले, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये नारा लेकर हम जा रहे हैं और ये लेकर ही हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हर मंत्रालय अगर अपना अपना रिपोर्ट पेश करता है, ऐसा सेशन भी होना चाहिए, तो आप ये मध्यावधि एक तरह से एक रिव्यू है, और इसमें राष्ट्रपति जी ने जो भाषण किया है इसमें दोनों सरकारों के रीति नीति और नियत और नीति में क्या फर्क है ये दिखा दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू प्रकाश जी।